हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये भूत देखो, बाय द वे हीरेन एक ट्रीटमेंट करवा रहा है, जो उसकी डिटेल्स आपको अच्छा, उसकी चैनल पे। किसी को पता नहीं चलेगा। तो हीरेन ने एक बहुत ही अच्छी वाली और बहुत स्पेशल वाली ट्रीटमेंट करवा रहा है, जो उसको हमारी चैनल पे देखने मिल जाएगी। तो आप अगर चाहते हो हीरेन की, जैसे अभी आज कौन सा डे है, डेट 18 है ना, आज 18 है, 10 दिन के बाद हीरेन की स्किन ऐसी चमकने वाली है कि मुझे चश्मे पहन के घूमना पड़ेगा हीरेन के साथ। एनीवेज, तो हीरेन की ट्रीटमेंट होने वाली है, जल्दी बोल रहे हो, कब से खड़ा हूं। और अब मेरी भी होने वाली है ट्रीटमेंट, और मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ ब्लॉग करके शेयर करूं। बस काफी लोग आप पूछते रहते हो कि कौन सी ट्रीटमेंट हुई, क्या प्रोसेस होती है और क्या सारी चीजें, तो बस इसमें थोड़ा बहुत पता चलेगा। हैप्पी न्यू ईयर। मेरे स्किन को पहले मैंने डॉक्टर को दिखा दिया था, डॉक्टर ने बता दिया इनको कि मुझे क्या क्या करना है। तो अभी मेरी स्किन पे कुछ नहीं किया हुआ अभी, तो सबसे पहले वो मेरे फेस को क्लीन करेगा। तो अब मेरे फेस को अच्छे से क्लींस कर रहा है। अच्छा, क्लींजर है ये? हाँ। ये तो घर पे भी लगाती है, पता है मुझे, पर इधर लगा रहा है तो मैं मना कर दूं, घर पे लगाती मत करो। तो क्लीन कर सकती है, मना, वो सुनेंगे नहीं। वो भी एक सेकंड के बाद बोलेंगे चुपचाप लेटर, हमको हमारा काम मत सिखाओ, करने दो। चलो क्लींजर लगा के इसका पोछ भी दिया है, वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट, वो पोछना ही होता है। हाँ, तो वेस्ट हो गया ना, फेंक देंगे उसको। अरे वही तो। सो अब है ना, एक पिल लगा रहे जो सेलिसिलिक पिल है पिंपल्स के लिए, और मुझे टिकलिंग हो रही है नाक के आसपास, सॉलिड वाली। मेरे को क्यों मार रही है पर इसमें, आउच। तो अभी ये पिल को 8 मिनट्स रखना होगा, एंड थोड़ा सा मेरी स्किन ड्राई हो गई ना, तो नोज के आसपास मुझे थोड़ा सा ऐसा टिकलिंग यार चल रहा था, बट इसे ऑन करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। फिर रो नहीं रही थी, आँख में पानी आ गया था, फिर आँख में पानी आ गया था, तो अभी इसको रखना है स्पेशली एक्ने के लिए। कैसे पिंपल हो गई मेरी, 8 मिनट हो गई है और अब वो पिल को निकाल रहा है, थोड़ा सा बड़े ठंडा है ना, तो अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा लगेगा। पहनने के बाद 4 बार पूछा मैंने इसको, पर अच्छा लग रहा, खराब नहीं लग रहा, पूछ ले, खराब तो नहीं लग रहा ना। कहाँ से वो खराब थोड़ी बोलेंगे, पर नहीं लग रहा खराब, एक जेल है, किस एलोवेरा जेल है ना ये? नहीं मैम, ये इसी चीज है। अच्छा, इसी चीज जेल है, एलोवेरा जेल बोल रही है। पूछा मैंने, ले मेरे को नहीं पता, वैसे मैं लोगों को भी बता सकती हूँ ना। स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ ओके, थोड़ा वार्म लग रहा है। तो ये जो मशीन के थ्रू सारा कर रहा था ना, तो उससे वार्म फील हो रहा था काफी ज्यादा, एंड यस अब वो पूरा हो चुका है फेस पे। अब होगा कुछ और, क्या होगा बताते हूँ। और अब ये वाली मशीन है जिसके थ्रू कुछ तो होने वाला है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। अब हाइड्रेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी, आरएफ। ओके, आरएफ होने वाला है स्किन में। और ये कोकोनट वाला है ना कुछ, एलोवेरा जेल कोकोनट। हाँ, तो ये एलोवेरा जेल है वो लगेगा। ये मैंने ऑलरेडी 1-2 बार नहीं, काफी बार किया हुआ है, यानी मुझे पता है। ओके, ये मशीन में ऐसा ये पकड़ के रखना पड़ता है। स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, मेरे बारे में खराब करने आया था और इसी के साथ खराब हो गया। क्या हुआ हीरन, बता। चटका लगा, चटका, करंट लगा जोर का। ये है ना, मेरे हाथ से हटा करके ये मुझे करंट लगाने वाला था, तो करंट लगवाने वाला था, मुझे भी लगा, पर हीरन को ज्यादा लगा। नहीं था, मैंने बोला इससे नहीं होगा, ऐसा बोला ना मैंने। अभी कंफर्म कर लिया कि सच में तो नहीं निकल रहा है। मैं मेरे रिकॉर्ड कर रही हूं, ट्रीटमेंट इंजन नहीं कर रही, रिकॉर्डिंग में लगी हुई है।
इस चक्कर में मैं अच्छा हूँ, मैं हमेशा ट्रीटमेंट इंजॉय करता हूँ, मैं लोगों को काम देता हूँ। सो ये ट्रीटमेंट थी 15 मिनट की, जो हो गई है डन। अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो नींद आ रही है। और ये अब लगा रहे सन ब्लॉक ताकि ट्रीटमेंट की स्किन को प्रोटेक्शन मिले। तू कहाँ से आ गया? ये दरवाजे से देखा नहीं तूने? हाय भगवान, शांति, इसका खत्म हुआ मेरा स्ट्रोक।